मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की प्रबंध शाखा ने 23 जिलों को ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदाय किए गए हैं, जिसमें एक वाहन शिवपुरी को भी प्राप्त हुआ है। इस वाहन का उपयोग ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कर सकेंगे। इस व्हीकल में GPS, साउंड मीटर, स्पीड रडार में लगे लेजर टेक्नोलॉजी के कैमरे की रेजुलेशन 800 मीटर दूर तक की है। इतनी दूरी पर ओवर स्पीड से गुजरने वाले वाहन की स्पीड मापी जा सकेगी, जिसमें उसे महज 3 सेकंड का समय लगेगा। लेजर कैमरे से 300 मीटर की दूरी से नंबर प्लेट को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है, जिससे वाहन चालकों का फोटो और लोकेशन आदि की हार्ड कॉपी भी निकाली जा सकेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा एक कार जो है हाईवे पर लाई गई है, इसकी जिससे स्पीड की गति नापने के लिए ई चालन की सुविधा दी गई है, क्या कहेंगे? हाँ, ये यातायात ट्रैफिक थाने को ट्रैफिक इंटरसेप्टर एक व्हीकल उपलब्ध कराया है, जिसमें हेवी कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड को 100 या जो आवर स्पीड है उसको मार्किंग करके वहीं पर ही उनको गाड़ी पर रोक के हम लोग चालान की कार्रवाई कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे ओवर स्पीड से जितने भी हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं या अन्य प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये मध्य प्रदेश पुलिस में 33 जिलों में इस प्रकार का व्हीकल उपलब्ध कराया गया है, जो हमारे ज़िले को उपलब्ध कराया गया था माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। इसका उद्घाटन करके विधिवत हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट और इस प्रकार की जहाँ ओवर स्पीडिंग और अन्य कारणों से घटना होती है, वहाँ पर इस व्हीकल को तैनात किया है। इसमें हमारे सूबेदार रैंक के एक अधिकारी और हेड कांस्टेबल और दो आरक्षक रैंक के अधिकारियों को जिला PHQ लेवल से उनको ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, जिससे कि हमारे ज़िले में सड़क हादसे की कमी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।